एक बार एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। वह प्रतिदिन अपने राज्य के लोगों के लिए जनसुनवाई करता था। सर्दी के दिनों में उसने जनसुनवाई धूप में महल के मैदान में रखी। जनसुनवाई के दौरान बाहरी राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पास दो ऐसी वस्तुएं हैं, यदि आपने उन्हें पहचान लिया तो मैं हार जाऊंगा, परंतु अभी तक मुझे किसी भी राज्य के राजा ने नहीं हराया है। राजा ने उन दोनों वस्तुओं को देखकर उत्तर दिया कि ये दोनों वस्तुएं तो एक ही है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। यह सुनकर राजा की इज्जत पर एवं रुतबे पर बनाई। इतने में ही उसी जनसुनवाई में राजा के ही राज्य के एक अंधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इस उत्तर को मैं देने की कोशिश करना चाहता हूँ। वैसे भी अगर मैंने यह उत्तर सही दे दिया तो आप जीत जाएंगे, और गलत दिया तो आप तो वैसे ही हार रहे हैं। राजा ने बहुत सोच विचार कर उस अंधे व्यक्ति को उत्तर देने के लिए आदेशित किया। उस अंधे व्यक्ति ने उत्तर देने से राजा जीत गया। फिर राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि आप जन्म से अंधे हो, फिर आपने यह उत्तर कैसे दे दिया। उस अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि धूप में जो वस्तु ठंडी थी वह हीरा थी, एवं जो गर्म थी वह कांच। महाराज, यही हमारे जीवन में भी होता है, जो विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए गर्म हो जाए वह कांच है, एवं जो संयम रखे, शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करे, वो असली हीरा है।